देख रहे हैं TJ24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निवान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बीते दिन सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जिला महिला चिकित्सालय के नर्स ड्यूटी रूम के ड्रेसिंग रूम में फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थिति में हुई कर्मचारी की मौत को लेकर आज सभी अस्पताल स्टाफ ने CMS के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि बीते दिन स्टाफ नर्स के पद पर तैनात कर्मचारी ने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर आज सभी अस्पताल स्टाफ ने CMS के खिलाफ नारेबाजी की है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि किसी न किसी मानसिक दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाया गया है। अब सभी स्टाफ महिला अस्पताल में एकत्रित हुए हैं और लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि महिला अस्पताल का जो प्रशासन है वह कर्मचारियों पर दबाव की रणनीति बनाकर रखते हैं। वह सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वह कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए हम सब एकत्रित हुए, साथ ही कर्मचारियों में बहुत परेशानी और दर्द उन पर बीत रहा है। अगर वह कहता है कि किसी के दबाव में आकर करा है तो इस चीज का पता लगना चाहिए। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सच का सामना कर सके और सच का पता लगाया जा सके, और जो भी दोषी है तो उसके लिए वो उस चीज के लिए हम लोग खड़े इकट्ठे हुए हैं, ताकि कर्मचारी में जो इस तरह में जो इस समय जो परेशानी है, जो इस समय दर्द उन पे बीत रहा है, उस दर्द को चाहे ये अगर वो कहते हैं कि ये किसी के दबाव में आके करा है तो इस चीज का पता लगना चाहिए। हम सब एकत्र हुए हैं कि सच का सामना करने के लिए। क्या आप लोग सब लोग काम पे रहेंगे क्या इसमें? हाँ, अभी तो हम काम से आए, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और ये निर्णय हम अभी जब ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। क्या आरोप किस पे लग रहा है? आरोप तो अभी किसी नहीं के। देखिए कल एक स्टाफ नर्स